एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल, दिस इज खुशी। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ट्रांसपेरेंट शीट से मैं एक प्लांटर बनाऊंगी जो बहुत ही यूजफुल और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको तभी पता चलेगा कि मैंने इसको किस चीज़ से बनाया है। तो चलिए बनाते हैं। पहले मैंने लीफ के शेप में इसको कट कर लिया है। ऐसे हमें ढेर सारे कर लेने हैं। करने के बाद इसको एक सैंड पेपर से इसको रगड़ कर घिस स्मूथ कर लेना है। इसमें कलर चिप ऑफ नहीं होंगे। कलर फिर करने के बाद ऐसे सारे पत्ती कलर कर देने हैं हमको। देखो, इसे मैंने आगे पीछे दोनों साइड ही कलर कर दिया है। ऐसे पूरी पत्ती करनी है आपको और आउटलाइन देने, मैं येलो कलर से आउटलाइन दे रही हूँ। ऐसे सारे करने के बाद हैंडमेड वार्निश लगा रही हूँ। आपके पास अगर कोई वार्निश है तो आप उसको भी लगा सकते हो। आगे पीछे दोनों वार्निश लगाने के बाद एक खाली कंटेनर ले रही हूँ, उसमें 2 स्पून ऑल पुट्टी और वाटर ऐड करना है। गाढ़ा पेस्ट बनाना है हमको। गाढ़े पेस्ट में स्लीप को लगा देना है। ड्राई करने के बाद तो हमारी ये पौधा बनकर रेडी हो जाएगा। मैंने इसको एक दिन के लिए रख दिया था सूखने के लिए। ये अच्छी तरीके से सूख गया है। सूखने के बाद इसमें हम येलो कलर से इसके कंटेनर को कर देंगे। ऐसे आप पूरे में कलर कर दो। इस तरह से ये कलर का काम पूरा हो गया है। तो लीजिए, हमारी बातों ही बातों में ये प्लांटर बनके रेडी हो गए हैं। आप प्लीज़ कॉमेंट में बताना ये कैसे बने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हर हर महादेव।